नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड के पिता और भाई को उतारा था मौत के घाट। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में 15 मार्च को नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर नाबालिग के पिता और 8 साल के भाई की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी ने 75 दिनों बाद सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि 15 मार्च को प्रेम प्रसंग के चलते रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की कॉलोनी में रहने वाले मुकुल सिंह ने नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर घर पर निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। वहीं फरारी के दौरान आरोपी कटनी, झांसी, आगरा, पुणे, कर्नाटक में घूमते रहे। वहीं जब उनके पास रुपए खत्म हो गए तो वह अमृतसर पहुंचे, जहां गुरुद्वारे में लंगर खाने लगे और उसके बाद समय बिताने के लिए बिना टिकट हरिद्वार पहुंच गए। वहीं दो दिन पहले हरिद्वार से पुलिस ने नाबालिग किशोरी को हिरासत में लिया था, तब आरोपी मुकुल सिंह फरार हो गया था। वहीं आरोपी ने खुद आकर सरेंडर कर दिया। सितंबर से ही दोनों आरोपी ने की थी राजकुमार विश्वकर्मा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग। सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें अपचारी बालिका थी, मैंने दो दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी अपचारी का जो अपचारी बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फरार हो गया था। और फरार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुँचा है, इसने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक FIR जो अपचारी बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी, और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे। और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था, और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ता है। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत, उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया, उसके बाद ये लोग शॉर्टकट का नाम है मौज, एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे। और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें, मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उसको जब हटाई, उनको जब तक उनको रास्ते से हटाई गई तब तक ये जो FIR हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके, जो लड़की के पिता है उन्होंने जाके लड़की के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से दो तीन दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल प्लानिंग की कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है, ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है, और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो साथ जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उसमें उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब यार हाईली कमिटेड, इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूँ ताकि
मैं लड़की को इस केस से अलग करता हूँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया, मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली, उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी, और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कैलकटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने, इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे, और हल्की बॉडी पे इनको, इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे, उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए, तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी, जिन्होंने जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा, और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ, और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की, और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा मेरा नुकसान नहीं हो जाए, तो इस कारण से। और इसके बाद सभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो उसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर किया। ये पहले वहीं छुपता रहा, अभी एक्चुअली बहुत सारा वेरिफिकेशन अभी बचा है, लेकिन इसका कहना है कि ये विदाउट टिकट ट्रेन से आया है। देखिए इनके इसमें अभी कहानी में एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे हो रहे हैं, बट मैं आपको बड़ी बड़ी जो कुछ बात अभी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होना है और वेरीफाई किया जाना है, जो उसने अभी बताया है कि जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो उसने अपने बैंगलोर में किसी दोस्त के यहाँ उसने रखी थी, जिसके यहाँ पर ही एक रात को रुके थे, पर दोस्त को जब पता चल गया कि ये मर्डर करके आए तो उन्होंने उसको उनको भगा दिया। अपराध की प्रगति को देख के लग रहा है कि कोई क्राइम से उन्होंने देखा है, किसी से मोटिवेट होकर ये क्राइम किया है? देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज और ये पबजी और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था, और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक एक स्टेप कैसे चूज करना है, ये लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई, और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की, जैसा वो बता रहे हैं। वो कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है, तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब वो तो भाई को इसलिए हुआ था कि जब फादर पे इसने हमला किया, ये सुबह के समय फादर पे हमला किया, तो उन्होंने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद भाई बाहर आया, वो भी शोर मचाने लगा, तो उस समय फिर इसने उस भाई पे भी हमला कर दिया, और उसमें हमला करने में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी समय से, और दोनों थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, और बाद में दोनों लोग साथ में थे, और दोनों लोगों ने ये घटना मिलकर करी। देखिए वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उसमें जब इसके फादर के साथ हुआ तो इसने अब वो एक्चुअली क्या है, वो जो ग्राफिक सीन है वो थोड़ा सा इस तरीके का है जो मैं आपको मीडिया के सामने नहीं बता सकता, आप हम जब बाद में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा, परंतु उन्होंने इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनाइवेंस रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई, इसी बीच दूध वाला आया तो दूध वाले दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया, 2-3 घंटे घर पे भी रहे,
उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले, और इन्होंने घर पे बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट से मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इधर उसमें पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसने कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिखी है, जिसके तहत उन्होंने देखिए ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख के बीच में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पैसा निकाला है, और फिर इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तो उनके पास कोई पैसा बचा नहीं था। अभी ऐसा सच कोई इनके रिलेटिव तो नहीं आए हैं, और बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ये कटनी आया और कटनी आके इसने उसको ड्रॉप भी किया, और फिर इसने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, तो उन सभी लोगों ने डिनाई कर दिया, ऐसा भी फैक्ट बता रहा है। सरेंडर करने का मन ऐसे हुआ कि एक तो जो पार्टनर इन क्राइम है वो अरेस्ट हो गई, दूसरा इसको ये डर था कि ये जाके इसका जो पिछला वाला केस चल रहा है इसको फिर प्रेशराइज करेंगे कि उसमें भी ये बुक हो जाए और ये अकेला पड़ जाएगा, इसलिए मन में ये डर था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये वहां जाके सारी स्टोरी जो है मेरे अगेंस्ट बता देगी और मैं अकेला आरोपी बन जाऊंगा, ये भी इसके मन में था। तो इसको ये था कि मैं भी अपनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बताऊं आके कि हाँ ये लड़की भी जो है मेरे साथ पूरा हो जाए। देखिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपचारी बालिका है उसे भी एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। देखिए मैंने आपको बताया कि पहले ये लोग पूरा ट्रैवल कर रहे थे, देखिए तो भाग रहे थे, तो ये अलग अलग जगह जहाँ इनको आश्रय मिलता था वहाँ रुकते थे, और उसके बाद इनको ये प्लानिंग थी कि कुछ समय हरिद्वार में रहेंगे, उसके बाद कहीं या तो बैंगलोर या किसी बड़े शहर में जाके कहीं नौकरी करके मजदूरी करेंगे, मतलब वही इनकी मस्त तरीका। सर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था कई जगह? नहीं अभी अभी ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। सर दोस्तों से पूछताछ होगी, दोस्त क्या ये कह रहा था? सभी दोस्त, अगर इन्होंने किसी से भी मदद लेने का प्रयास किया है वो जैसे अभी जैसे जो फैक्ट्स बता रहे हैं उनको वेरीफाई करेंगे और साक्ष्य आने में कार्रवाई करेंगे। सर इसमें जो हत्या है हजारों जो पीड़े वो भी ठीक है, वो भी जो फैक्ट्स आए हैं उनके भी जांच कर रहे हैं, और आगे मतलब जो पॉइंट्स अभी मिले हैं उनके भी तो जस्ट पकड़ में आए हैं, तो उनके यहाँ से जो भी फैक्ट्स मिले उसको वेरीफाई करेंगे, अगर उसमें हथियार जब अभी अप्लाई करते हैं 2-3 दिन तो अभी रिमांड लीजिए। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.